तो दोस्तों स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पुल के नीचे जो है बस गिर गई थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है दो हाइड्रो के माध्यम से जो है इस बस को उस नदी के नीचे से जो है ऊपर खींचा गया और निकाला गया। तो दोस्तों ये किस वजह से किस कारण जो है बस नीचे गिर गई थी, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सारी जानकारी जो है वीडियो के ही माध्यम से दिखाकर बता देंगे। और बस की कंडीशन आप देख लें, जो कि इसकी ऊपर की छत वगैरह जो आपको दिख रही होगी गिरने के बाद जो है क्षति के बल से जो है ये बस गिर गई थी। और देखिए इसकी छत वगैरह जो सभी कुछ जो है मुड़ गई। और ये हादसा जो है कहाँ पर हुआ है वो भी हम बता देते हैं। बहुत से हमारे भाई पूछ रहे थे कि भाई हादसे के बारे में बता दिया करिए। और ये हादसा जो है बलरामपुर में हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि बस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार हो गई है। और कहाँ से ये गिरी थी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप कंडीशन देख लें, जो कि इस पुल के ऊपर से ये बस यहाँ पर टकराने के बाद जो है गिर गई थी। और पुल की कंडीशन आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो है हादसा भाई ये हादसा जो है कोहरे के वजह से हुआ था। और ज़्यादातर पानी के जहाँ भी पानी का बहाव होगा वहाँ हद से ज़्यादा जो है कोहरा हो जाता था। और ये हादसा जो है लगभग 3 से 4 बजे के टाइम में हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि 30 लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो गई। 8 जन जो हैं यहाँ पर काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। और हादसा जो है काफ़ी भीषण हो गया था। और बस को यहाँ पर निकाल लिया गया है। और सभी अभी भी सब कुछ यहाँ पर जांच वगैरह चल रही है, जो कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर बच गया हो तो नीचे भी जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को रोड से रिलेटेड वीडियो में हम आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।